जय श्री कृष्ण। वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक गुजराती रेसिपी दाल ढोकली। तो चलो उसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालते हुए रोटी जैसा नरम आटा तैयार करेंगे। अभी आटा तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और तेल डाल देंगे और इसे मसल लेंगे। अभी हमारा नरम आटा बनकर तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे। हमने यहाँ पर 3/4 कप तूर दाल ली है, जिसको हमने अच्छे से धो के बॉईल कर लिया है और बाद में उसे ब्लेंड करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने गैस के ऊपर एक पैन रखा है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सरसों डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग डालेंगे, 1 सूखी लाल मिर्च की हमने टुकड़े कर लिए है वो डाल देंगे, 5-6 करी लीफ डाल देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब ये सब अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें हमारी बॉईल्ड हुई दाल डाल देंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून शुगर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने से हमारी दाल ढोकली है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें 1/4 कप पीनट डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से उबलने देंगे और तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आटा है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें से रोटी जितनी एक लोई निकालेंगे। अब हम इसे ड्राई आटे में डिप कर लेंगे और रोटी जैसा पतला बेल लेंगे। अब ये बेलकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। अभी हमने इसे कट कर लिया है, ऐसे ही हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने ये सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम हमारी जो दाल बॉईल हो रही है उसमें ये डाल देंगे। हमें ये सब पूरा साथ में नहीं डालना है, नहीं तो ये साथ में चिपक जाएंगे। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारे गैस की फ्लेम है वो स्लो कर देंगे और इसे 5 से 8 मिनट तक इसे ढक कर बॉईल होने देंगे। 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। अभी हमारी दाल ढोकली है वो अच्छे से पक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देंगे। अभी हमारी चटपटी दाल ढोकली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।